हरिया रोडवेज के एक और जबरदस्त ताजा तरीन और नेक्स्ट लेवल की धारावाहिक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना हरिया। और भाई ये जो रोडवेज वाली बात है ना, अब ये बहुत ज्यादा अच्छे से मजे वाली हो रही है, क्योंकि अब हम हाईवेज पे निकल गए हैं और पंजाब के उसके बाद इंडिया के धीरे धीरे करके निकलेंगे। शहरों का बहुत सारा कंटेंट हमने आपको दिखाया, जहाँ पे छोले भटूरे और उसके अलावा पंजाबी खाना, महाराष्ट्रीयन खाना, पूरा इंडिया कश्मीर टू कन्याकुमारी दिखाया। बट भाई हाईवेज कम दिखाए, और इस बार अब जो हमारा यत्न है, जो कोशिश है, वो ये है कि हाईवेज के जो ढाबे, जो छुपी हुई चीज़ें हैं, वो आपको दिखाई जाएं। तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ परदेसी ढाबा पे जगराओं में, जहाँ पे इतनी नेक्स्ट लेवल की बातचीत है। पहले तो आप ये देखो, आज किसान मेला है लुधियाना में, उसकी वजह से इधर भीड़ लगी हुई है। लेफ्ट राइट दोनों तरफ ढाबे इनके, एक ये है और एक ये है। तो हमने सोचा कि यहाँ पे आपको शूट करके बताते हैं कि क्या क्या खाने में होता है, और नाम परदेसी कैसे हुआ, क्योंकि बंदे तो बिल्कुल देसी है, और नाम परदेसी कैसे आया वो आपको दिखाते हैं, बताते हैं, शेयर करते हैं आपके साथ। आ जाओ राहुल भाजी, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है सर? बढ़िया, बताओ। एकदम बढ़िया सर, थैंक यू सो मच आपने टाइम दिया। आपके परदेसी ढाबे की बहुत तारीफ सुनी है सर हमने। बहुत सारे ट्रक ड्राइवर भाई जो है हमारे, वो कहते हैं कि परदेसी ढाबा पे रुकना ही रुकना है। तो ऐसा क्या खास है सर आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ पे सभी चीज अच्छी मिलती है जी, सभी चीज प्योर मिलती है, साथ के साथ चलती है, बनती रहती है जी। साग और मक्की की रोटी स्पेशल है हमारी, जिस मौसम में ज्यादा चलती है। अच्छा, और भी कई चीज हमारे पास है जो साथ के साथ बनती है, वो स्वादिष्ट होती है। भाजी एक बार तो चीजें दिखा दो, क्या क्या रखा हुआ है सामने, बता दो क्या क्या है बर्तनों में। ये क्या है सर? इसमें तड़का लगा हुआ है। अच्छा, ये तो है तड़का, इधर देखो, ये प्याज टमाटर वाला तड़का है, टमाटर का तड़का, और रोगन है इसके साथ। इसमें सरसों का साग होता है जी। ये है जी सरसों का साग, एकदम क्या बात है, एकदम कमाल का लग रहा है ये सरसों का साग, जबरदस्त। सर थोड़ा सा अच्छे से चला के दिखाओ, मजा नहीं आ रहा। ये मक्की की रोटी, सरसों का साग, पंजाब में आओ तो ये तो खाना ही खाना है ना। इसके अलावा क्या है भाजी? इसके अलावा सर अपने पास छोले होते हैं, चिट्टे वाले छोले। ये चिट्टे छोले हैं, काबुली छोले हैं जी। और क्या है भाजी? ये हमारे पास है काले चने, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, मटर पनीर, चना मसाला, मिक्स वेज, पनीर भुर्जी, जो हमारी स्पेशल आइटम है, परदेसी स्पेशल है। और वो खुद बनाते हैं? वो जी हम अपने हम बनाते हैं, ताजा बनता है, साथ के साथ बनता है। तो बाजी अभी फिलहाल क्या बना रहे हो? अभी साग का तड़का लगा रहे थे। अच्छा, साग का तड़का लगा रहे, दिखाओ बाजी एक बार। ये देखो साग का तड़का लग रहा है यहाँ पे, और एकदम कमाल की बातचीत है। ये देखो ये तड़का डाल दिया है, ये इसके अंदर आया जी तड़का, और ये पैन जो है ना, ये देसी स्टाइल के पैन, और वही भाई कमाल की। और भाजी ये शुरू कैसे हुआ था ढाबा, और परदेसी नाम कैसे आया? ये पहले मेरे दादाजी काम करते थे, दादाजी ने शुरू किया था काम पहले वहाँ पे, उन्होंने पहले तो चाय का काम ही किया था। अच्छा, तो जब बंदों का साथ मिलने लगा, साथ जी, वाले जी, फिर काम होली होली से चलता हुआ बढ़ता हुआ काम, फिर हमारा बड़ा ढाबा हो गया, साथ में रोटी पानी चलने लगी, सभी काम तब से शुरू हुआ। मतलब उनके उनका खावे हैं। और ये नाम कैसे है परदेसी ढाबा? नाम ट्रक ड्राइवर का नाम दिया हुआ है, वो आते थे हमसे पहले, उन्होंने नाम दिया हुआ है। अच्छा, जितने ट्रक ड्राइवर्स थे उन्होंने नाम दे दिया परदेसी ढाबा? उन्होंने नाम दिया है परदेसी ढाबा। क्या बात है, मुझे लगा शायद आपका सरनेम है परदेसी या कुछ ऐसा, जैसे होता है ना, उन्होंने नाम दिया हुआ है परदेसी। अच्छा, नाम दिया हुआ है। और भाई साहब यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। फिलहाल तो भाजी जो है वो साग को तड़का लगा रहे हैं, देसी घी का स्पेशल तड़का लगता है, देसी घी का तड़का लगता है। वाह वाह, क्या बात है यार, ये साग को देसी घी का तड़का लग गया है। इसके अलावा भाजी और सब्जियों में क्या है? वो सब्जियों में सब कुछ है, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, वो तो साग के साथ लगता है ना। अच्छा, जब कस्टमर बोलोगे साग के साथ, हम बना के नहीं रखते। अच्छा, जैसे ताजा ही बनता है, जो बनता है जी जी ताजी बनेगी। और भाजी बाकी भी एक बार ढाबे का टूर दे दो, और थाली वगैरह भी होती है? हाँ जी, थाली वगैरह भी होती है, वो ड्राइवरों के लिए थाली रखी हुई है, आम कस्टमर के लिए तो मेन्यू कार्ड ही चलते हैं वो। जी जी जी, ड्राइवरों के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट है, आम कस्टमर के लिए नहीं है क्या? नहीं, कस्टमर के लिए भी है। हाँ, सबके लिए एक बराबर, जो चीज ड्राइवरों के लिए लगेगी वही कस्टमर के लिए लगेगी, स्पेशल लगेगी तीज चीज। तो कस्टमर तो कस्टमर, चाहे ड्राइवर है चाहे दूसरे है, पैसे तो सभी ने देने हैं ना। जी जी जी, चीज भी अच्छी देंगे उनको। बहुत बढ़िया। और पाजी कितना पुराना ढाबा है ये? 1978 का ढाबा है। 1978 का? वाह वाह, पहले मेरे फादर साहब, दादाजी ने किया था, उसके बाद मेरे पापा ने भी किया था, अभी चाचू उनके साथ मैं भी कर रहा हूँ। अरे क्या बात है भाजी, बहुत जबरदस्त। मुझे लग रहा है साग तो तकरीबन बन के तैयार हो गया, इसको सर्व करके दिखा दो सर। ये आ गया साग आपका, तड़का तैयार, एकदम कमाल का सरसों का साग है। इसके अलावा मक्की की रोटी भी आपको मिल जाएगी, मक्की की। और राहुल पाजी एक बार टूर दो ढाबे का, ढाबा कैसा है एक बार दिखाओ। राहुल पाजी परदेसी ढाबा वैसे बहुत ज्यादा मशहूर है, आज तो भीड़ भी पूरी है, और शाम का टाइम है ना, लंच का टाइम है ना, डिनर का टाइम है, यहाँ पे खिला के रहे हो अभी? चाय चलती है, रोटी पानी चलती है, सभी चलता ही रहता है। अच्छा, 24 घंटे खुला रहता है, चलता रहता है। दिखाओ पाजी ढाबा कैसा है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है। और ये देखो यहाँ पे झूले वगैरह सब लगे हुए हैं, एक बहुत ही प्यारी सी वाइब है, और लोग आराम से खा पी रहे। आज वो किसान मेला है ना वहाँ पे पीयू में, इसीलिए मुझे लग रहा है लोग ज्यादा आए हुए हैं। नहीं, डेली भी ऐसी बस होता। अच्छा, डेली ऐसे आते हैं? वाह क्या बात है। इधर फास्ट फूड का है जी। अच्छा, क्या क्या होता है इसमें? इधर नूडल होते हैं, गोलगप्पे होते हैं, दही भल्ला होता है, बर्गर टिक्की जी, सब कुछ होता है। फास्ट फूड में सारी आइटम्स हैं, सभी आइटम होती है। क्या बात है, एक बार दिखाएंगे भाजी? आओ एक बार किचन का टूर देते हैं इधर वाली का। यहाँ पे
भाई साहब भीड़ है पूरी। ये देखो दही भल्ले जा रहे हैं। ओ भाई क्या बात है, दही भल्ले, वाह। इस पे तो किशमिश और टूटी फ्रूटी सब कुछ लगा, अनारदाना भी है ड्राई फ्रूट के साथ। क्या बात है, ड्राई फ्रूट के साथ दही भल्ले हैं। और इसके अलावा दही भल्ले यहाँ पे और बने हुए हैं, वाह वाह वाह। इधर गोलगप्पे होते हैं, ये देखो भाई गोलगप्पे, पापड़ी, चाट, दही भल्ले, सारे चटोरे आइटम्स। और इधर ये पकौड़े भी है, वाह। ये है जी पकौड़े और साथ में टिक्कियां भी रखी हैं। और पाजी मेन कोर्स किधर बनता है? मेन उधर बनता है। आ जाओ पाजी वो भी दिखाते हैं। ये हमारी किचन है सबसे बड़ी वाली। अच्छा ये बड़ी वाली किचन है। जी 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 दिखाओ पाजी यहाँ पे क्या क्या है। अच्छा सब्जियां वगैरह सारी यहाँ पे भी है। हाँ जी पाजी इसमें क्या है? इसका तड़का साथ के साथ अलग लगता है। एक बार कड़छी से दिखाना पाजी दाल। ये पाजी कितने घंटे पकी हुई दाल है? ये दाल बन जाती है साथ के साथ, बनती है ताजी बनती है। अच्छा बस ये तो रात को निकल जाएगी ना। जी 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 वाह, एक बार देखो तो सही, एक बार दिखाना सर। ओए वाह भाई साहब एकदम लंगर वाली दाल की खुशबू आ रही है। पाजी कौन कौन सी दाल मिक्स्ड है इसमें? राजमा और माँ की दाल होती है। माँ की दाल और राजमा मिक्स्ड है। और क्या है पाजी यहाँ पे? वो यहाँ पे साग भी है। ये क्या है? अच्छा ये साग है। ओ वाह 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 कमाल। ये आलू मटर है। अच्छा छोले, वाह वाह वाह। ये है जी काले छोले, आलू मटर। ओए बल्ले 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 क्या बात है, आलू मटर भी है भाई साहब। और क्या जी? ये पालक है। अच्छा पाजी पालक और साग में आप डिफरेंशिएट कैसे करते हो? वो सरसों का साग होता है। अच्छा पालक है अलग। अच्छा है। अच्छा अच्छा ये दाल मखनी है। वाह ये है जी दाल मखनी। इसका तड़का लगा के रखा हुआ है वो। अच्छा तड़के ये रेडी है क्योंकि इसके ज्यादा ऑर्डर आते होंगे ना। इसका भी स्पेशल तड़का भी लगेगा जो कस्टमर को जाएगी। देसी घी का तड़का लगता है वो स्पेशल। अच्छा वो येलो दाल होती है। येलो दाल भी है? मूंग दाल है, मूंग की दाल, येलो दाल। वाह 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 क्या बात है। बाकी दाल फ्राई होती है। दाल फ्राई भी रेडी है? रेडी है। आओ पाजी ये देखिए भाई साहब ये दाल फ्राई भी रेडी है। कढ़ी होती है, कढ़ी हमारे पास। वाह कढ़ी पैन में ही है क्योंकि ऑर्डर इसके आते रहेंगे। पैन में भी है, इधर भी पड़ी है कढ़ी। अच्छा इधर भी है। ये देखो नीचे भी एक पूरा पतीला जो है वो कढ़ी का भरा हुआ है, कमाल है। और पाजी आपका फेवरेट क्या है यहाँ पे खाने में? सब कुछ फेवरेट ही है हमारा भी, सब कुछ फेवरेट। क्या बात है पाजी। एक मैंने सुना आपके यहाँ पे सेटअप है जहाँ पे आप ड्राइवर्स के लिए पूरा अरेंजमेंट करके रखते हैं। हाँ जी वो भी है, बिस्किट पजामे, टूथब्रश। जी 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 सब कुछ। वो कहाँ पे? ये होते हैं सगाई भाई होते हैं। जी 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 मटर हो गए। जी पकौड़ी होगी मीठी वाली। अच्छा ये सब कुछ आप ही बनाते हैं? जी 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 कोई बाजार से चीनी लाते हैं, अपनी आप बनाते हैं। अच्छा खुदगी से। और इधर देखो भाई साहब आइसक्रीम्स और वो सब चीजें। और फिर ये है जी इनका सेटअप जहाँ पे आपको ये मिठाई। पाजी मिठाई के शौकीन बहुत है ना आपके पास? ये मिठाई भी हम अपने आप बनाते हैं, देसी घी की मिठाई। अच्छा आप भी खुद ही बनाते हैं? खुद ही बनाते हैं। बेसन की बर्फी भी है? बेसन की बर्फी भी होती है, वो भी खुद ही बनाते हैं। देसी घी। क्या बात है यार, बहुत जबरदस्त वाइब है भाई साहब। परदेसी ढाबा है यहाँ पे। लोकेशन क्या है सर इसकी? परदेसी ढाबा जगह जीटी रोड नहीं है नानक सर। बहुत जबरदस्त खाने पाजी, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा। अभी हम खाना जो है वो खाते हैं। और वैसे यहाँ पे देखो बहुत कुछ है भाई, मतलब आपको जो 24/7 में सामान मिलेगा सारा यहाँ सब कुछ मिलेगा। एक तो यहाँ पे है जेंट्री हॉल और एक इधर है एसी हॉल और एक नॉर्मल हॉल है। तो हम तो भाई साहब यहाँ पे नॉर्मल हॉल में बैठेंगे, आराम से बैठ के खाएंगे। ये है आज का हमारा स्वाद वटांदरा, आपको दिखाते हैं। ये देखो एक तो दाल देखो भाई, लिटरली मक्खन मक्खन दाल है, मक्खनी नहीं है मक्खन ही है। तो ये इधर डालते हैं। ये एक तो लाइट्स बड़ी कमाल की लगाई हुई उन्होंने शादियों वाली, तो शेडोज बड़े बहुत ज़्यादा हार्ड आ रहे हैं। बट इसके अलावा ये देखो ये किशमिश काजू वाला पनीर है, तो पता नहीं क्या लगाया भाई साहब बट बहुत स्वाद लग रहा है जो भी है। और इसकी भी बाइट बनाएंगे और आराम से खाएंगे। और इसके बाद ये देखो ये है जी, मुझे लग रहा है ये पनीर वाला नान है और बटर नान है, पनीर वाला नान है, दोनों में से कुछ एक है। अजवाइन डाली हुई है ऊपर और भाई साहब आज तो इसके साथ दाल ही चलेगी। ओहो अच्छे से भिगो के दाल के अंदर। एंड भाई हियर इज अ बाइट। मुझे नहीं पता ये कौन सा नान है, बड़े जो भी है एक नंबर, दाल एक नंबर है, हैवी ड्यूटी दाल है। और नान उसके ऊपर जो अजवाइन डाली है, अंदर पनीर डाला हुआ है, मज़े आ गए। ऐसी बातचीत परदेसी ढाबा पे है इसीलिए इतना ज़्यादा चलता है, बहुत लोग यहाँ पे आते हैं और खाते हैं। आप भी आगे ट्राई ज़रूर करना, बोलोगे हरिया भाई तो कमाल है।